अस्सलाम वालेकुम, मैं सलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और तमाम लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तरीक़ेकार बस ये है कि आपको साइन अप करने की ज़रूरत है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मुताबिक लेक्चर्स डाउनलोड कर लें। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे लेक्चर के बाद क्विजेस अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी वहां पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 होमियोस्टेसिस, सॉरी चैप्टर 1 होमियोस्टेसिस। आज लेक्चर 4 हम कवर करेंगे, जिसमें जूलॉजी का लेक्चर 4, जिसमें हम एक्सक्रीशन इन मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज की लेक्चर आउटलाइन है कि वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन मैन, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लिवर, विच इज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन, एंड देन वी विल डिस्कस द रोल ऑफ लिवर। सो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मीन्स आपकी बॉडी में जो भी कोई नुकसानदेह या ऐसी कोई चीज जो कि आपकी बॉडी को नुकसान दे, या फिर कोई चीज आपकी बॉडी में एक्सेस है, तो उसे आपकी बॉडी से खारिज करने के अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो गया, बल्कि एक्सक्रीशन के जरिए से आपकी बॉडी में क्वांटिटीज या फिर ये के आयंस, सॉल्यूट, ये सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। और एक्सक्रीशन का काम आपकी बॉडी में 3 चीजें या 3 ऑर्गन परफॉर्म करवा रहे हैं। सबसे पहले किडनी, सेकेंडली लिवर और थर्ड स्किन। तो सबसे पहले किडनी क्या है? किडनी आपकी बॉडी में, जैसे मैं कहता हूँ कि किडनी इज लोकेटेड आपकी आसान लक्ष्मी के वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ मौजूद है, आपकी कमर में बिल्कुल नीचे लोअर साइड पे। तो अब किडनी का काम क्या है? किडनी के बारे में हम ज्यादा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या है, किस तरह की होती है। किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और किडनी का काम यह है कि आपकी बॉडी में जो भी ब्लड होता है ये उसको प्यूरिफाई करती है, और उसमें से जो भी कोई हार्मफुल मटीरियल है, जैसे कि आयंस हो गए या ये के कोई सॉल्ट हो गया या कोई हार्मफुल अदर सब्सटेंस हो गया जो आपकी बॉडी से रिमूव होना है, तो वो किडनी सारी चीजों को फिल्टर करके आपकी बॉडी से उन्हें बाहर निकाल देगी। अब जिन प्रोसेस के थ्रू निकालती है, ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडली, अच्छा, किडनी ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन रखती है एक्सक्रीशन के साथ साथ। वो किस तरह की? किडनी में ऑब्वियसली तौर पे वो आयंस भी एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सेस वाटर भी एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसी तरह वो सॉल्ट्स वगैरह ये सारी चीजें भी मेंटेन रखती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। यानी अगर आपकी बॉडी को कभी किसी आयन की कमी हो गई, तो एक किडनी के पास वो रिस्पॉन्स जाएगा और किडनी वहां से आयन्स एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन रख रही है और साथ साथ एक्सक्रीशन का अमल भी कर रही है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है लिवर। लिवर एक होम्योस्टेटिक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और लिवर काफी लार्जर ऑर्गन है, और लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन और इस तरह कई सारी चीजें लिवर में परफॉर्म हो रही होती हैं। लिवर थर्मोरेगुलेशन भी मेंटेन रख रहा है, फिर लिवर में आपका कई सारी चीजें ब्रेक डाउन भी हो रही है, ग्लाइकोजन भी स्टोर कर रहा है। ऑर्गन आता है स्किन। स्किन आपकी बॉडी में एक अहम रोल अदा कर रहा होता है, और स्किन भी एक एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ परस्पायरेशन। परस्पिरेशन का लफ्ज आपने सुना होगा कि परस्पिरेशन मींस के स्किन में से बेसिकली जो पसीना निकलता है, तो उस पसीने में क्या होता है कि उसमें, या जिसे स्वेट कहते हैं, उसमें आपके एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें स्किन आपकी बॉडी में पोर्स के थ्रू बाहर निकलती है, इस प्रोसेस को परस्पिरेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं किडनी के बारे में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं लिवर की जानिब के लिवर क्या है। तो सबसे पहले तो लिवर को डिस्कस करते हुए चलें, तो लिवर आप जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, लिवर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। वैसे तो इसे बाइलोब कहा जाता है, लेकिन लिवर के कई सारे लोब्स होते हैं। लोब क्या है कि यहाँ पर ये एक बेसिकली एक लोब है, लार्जर लोब, और एक सेकेंड इसका स्मॉलर लोब। आप एक और लोब भी इसका पढ़ेंगे, कॉर्डेट लोब, इस तरह इसके वैसे लिवर के कई सारे लोब्स होते हैं। फिलहाल खैर उस पर हम नहीं जाते, लेकिन अब लिवर एक इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। तो क्योंकि, अच्छा, लिवर की क्या है कि लिवर आपको नजर आ रहा हो जिस कलर का है, इसी तरह यानी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, फैट्स इस पे डिपॉजिट हुए पे होते हैं। अच्छा, अब लिवर जो है वो कहाँ मौजूद है? तो लिवर मौजूद होता है, डायफ्राम होता है आपका,
जो आप ये कह सकते हैं कि डायफ्राम इज जस्ट बीनीथ द रिब्स, तो डायफ्राम इज सेपरेटिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन दोनों को डायफ्राम सेपरेट कर रहा होता है। तो डायफ्राम से जस्ट थोड़ा सा नीचे लिवर मौजूद होता है, और लिवर बाइल जूस एक प्रोड्यूस कर रहा होता है, और बाइल जूस आपको पता होगा कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एक जूस है जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो लिवर जो भी डाइजेशन के लिए नहीं अब बाइल जूस बना रहा है, तो बाइल जूस ये सप्लाई करता है टुवर्ड्स दी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वैसे शुरू तो काफी पहले ही हो जाता है, लेकिन वहां पे बाइल जूस पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। तो ये एक लिवर की एक थोड़ी बहुत समरी थी कि लिवर क्या है। अब हम चलते हैं कि लिवर क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, लिवर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में मदद करवा रहा होता है लिपिड्स की। जैसे आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट ईयर में खैर ये बात कही थी कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं कि हम ग्लाइकोजन के बारे में आप पढ़ते हैं कि ग्लाइकोजन इज अ फूड रिजर्व फॉर एनिमल्स और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर। तो आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन और उसे स्टोर करता है लिवर। अगर आपकी बॉडी को कभी ग्लूकोज की नीड हो तो लिवर क्या करता है कि उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ये मेटाबोलाइज करता है और उस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाता है जो आपकी बॉडी में फिर सप्लाई हो जाती है एट द टाइम ऑफ नीड। लिपिड्स के बारे में बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स की भी ब्रेक डाउन करता है, और जो एक्सेस लिपिड्स होता है उसे फैट्स की सूरत में भी स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन कर रहा है वो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और बाकी फैट्स स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब फैट्स का भी पता होगा आपको कि ज्यादा लिवर फैट्स स्टोर नहीं कर सकता। अगर ज्यादा फैट्स स्टोर कर ले तो डिफरेंट डिजीजेस हो जाती हैं लिवर की, जैसे फैटी लिवर हो गया, तो जिसमें लिवर का साइज जो होता है वो सोनोग्राफी में थोड़ा या अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बड़ा नजर आता है। अच्छा, अब ये बात थी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की। अब अगला आते हैं डीअमाइनेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, मींस ये कि अब आपकी बॉडी में कभी अमीनो एसिड ज्यादा हो गया तो एक्सेस अमीनो एसिड को आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है इनटू अमोनिया। अमोनिया में जैसे कन्वर्ट होता है, अब आपको पता होगा अमोनिया, अमोनिया का मैंने बताया था कि अमोनिया इज अ टॉक्सिक मटेरियल, ज्यादा एक्यूमुलेट हो तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अमोनिया को फौरन आपकी, अच्छा अब जो एक्सेस अमाइनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। और अब अमोनिया को अगेन, अब अमोनिया टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है, तो एक आपकी लिवर में एक साइकिल होता है जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और उस साइकिल के थ्रू अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है इंटू यूरिया, और यूरिया फिर आपकी किडनी के जरिए से आपकी बॉडी से बाहर चले जाता है। तो ये है डीअमाइनेशन ऑफ यूरिया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जैसे मैंने कहा कि लिवर बाइल बना रहा है, तो बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है, जो डाइजेस्टिव एक एंजाइम, डाइजेस्टिव फ्लूइड है, इसमें कई सारी चीजें मौजूद है, जैसे इसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, जो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो हीम जो होता है वो बनता है बिलीरुबिन ब्लेबर्डन, तो वो भी बाइल में मौजूद होते हैं। बाकी अच्छा, उसके अलावा सॉल्ट भी मौजूद होते हैं बाइल में, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोक्लेट, ये सारी चीजें भी मौजूद होती हैं। बाकी कुछ आयंस होते हैं, वाटर मौजूद होता है बाइल में, और फिर बाइल क्या करता है, बाइल अच्छा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बनता है लिवर में, और लिवर से जाता है फिर ये गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या होता है कि गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें लिवर जो भी बाइल बना रहा है वो वहां पे स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैली होती है जो बिल्कुल लिवर के साथ ही अटैच हुई भी होती है, और वहां पे सारा जो भी बाइल मौजूद होता है वो वहां पर स्टोर हो रहा होता है, और फिर वहां से आपकी बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है, यानी डाइजेस्टिव पार्ट्स की तरफ के, जहां जब डाइजेशन करनी हो। अब हम चलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पर। तो लिवर एक और काम कर रहा होता है विच इज डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स है उनकी ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि हार्मफुल है, लिवर उस हाइड्रोजन परऑक्साइड या डी जिसे H2O2 भी कहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और इस तरह ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करवाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो लिवर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी करता है और स्टोर करवाने में मदद करवाता है।
और इसी के साथ साथ लिवर थर्मो रेगुलेशन में भी मदद करवाता है, यानी ये कि जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन रखवाता है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल नीड्स, या जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह आते हैं उस हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखवाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा लिवर विटामिंस भी कुछ स्टोर करता है, और जैसे कि विटामिंस में आते हैं ए बी और डी विटामिंस, तो ये वो विटामिंस है जो कि लिवर स्टोर कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी करता है कि लिवर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी सिंथेसिस करता है, जिसमें जैसे फिब्रिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें भी उनकी फॉर्मेशन में मदद या सिंथेसिस में मदद करवाता है। तो ये लिवर के बारे में आज का लेक्चर था कि लिवर क्या है। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और आपको लेक्चर चाहिए हो या फिर आपको क्विज या प्रेजेंटेशन देनी हो, तो क्विज आपको कंडक्ट करना हो, जो मैं कहता हूँ कि हर लेक्चर के बाद एक क्विज प्रिपेयर्ड होता है जो कि आप वहां से क्विज कंडक्ट कर सके, ताकि आपको पता चले कि आपने लेक्चर कितना अच्छे तरीके से समझा है। तो वो सारी चीजें vtutions.com पर मौजूद हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आप आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।